बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादोबाद होंगे, आमीन। आज शबे बारात और उसके हवाले से न्याज दिलाने के लिए मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा बहुत मज़े का बनता है। इसकी रेसिपी मैं देती हूँ आपको। ये लिए मैंने चने की दाल आधा किलो और इसको मैंने एक घंटा भिगो लिया था पानी के अंदर, और भिगोने के बाद मैंने इसको वाश कर लिया है अच्छी तरह से। इस दाल को हम दूध के साथ पकाएंगे। चीनी भी मैंने आधा किलो ली है, ये सूटेबल रहेगी इतनी। घी लिया है आधी प्याली, और ये आधा किलो ही दूध लिया है, आधा किलो चने की दाल है, आधा किलो चीनी। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो उसमें आधी प्याली चीनी कम कर लेना। ये ली है मैंने सफ़ेद इलायची, और नारियल को मैं ग्रेट कर लूँगी बिल्कुल बारीक, और इस ये लिए हैं कुछ बादाम, कुछ पिस्ते, इनको भी मैं बारीक कूट लूँगी। और ये मिल्क ड्राई मिल्क लिया है, मिल्क पाउडर। सबसे पहले हम दाल को एक देगची के अंदर दूध के अंदर साथ पकाएंगे गलाने तक। तो ज़रा ध्यान रखें, इसको देख देख के पकाते रहना, कहीं लग नहीं जाए, क्योंकि दाल बहुत जल्दी लग जाती है दूध के साथ। ये दूध मैंने इसमें शामिल करा है। अब मैं इसमें धुली हुई साफ़ दाल ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये हलवा बहुत ही डिलीशियस बनता है, इसको आप 15-20 दिन रख के भी खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। ये देखें, दाल बिल्कुल हमारी दम पर पक गई है, दूध भी इसका खुश्क हो गया है, और ये गल भी गई है अच्छी तरह से। थोड़ी खड़ी खड़ी है ये, लेकिन गल गई है बिल्कुल। देखें इस तरह दबाने से आराम से ये गली हुई दाल तैयार है। इसको मैं चॉपर में पीस लूँगी। आप सिल पे पीसें, चॉपर में पीसें, लेकिन बिल्कुल बारीक पीसना है इसको। इस तरह से दाल हमारी पीस के तैयार हो गई है। मैं इसको भूनूंगी घी के अंदर, और जो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये देखिए, मैंने एक प्याली आधी प्याली घी लिया है, आप चाहें ज़्यादा ले सकते हैं। एक प्याली मैंने लिया है दूध, नीरों की दो साशे मैंने डाले तो एक प्याली हो गया, और कुछ नट्स हैं, सफ़ेद इलायची ली है पाउडर, ये नारियल का बुरादा, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, ये सफ़ेद इलायची, और ये आधा किलो ही चीनी लूँगी मैं। तो एक कप रखी है मैंने, एक कप और शामिल करूँगी। आप चाहें तो आधी प्याली कम करें तो भी कम चीनी हो जाएगी, लेकिन ये चीनी सूटेबल रहेगी। पहले पैन के अंदर मैं डालूँगी आधी प्याली घी, और घी को थोड़ा मैं गर्म करने रखूँगी। उसके अंदर डालेंगे सफ़ेद इलायची का पाउडर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला हमारे बख्शिश करे, कर बना दे, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे हमारे गुनाहों को। आज की रात दुआएं करें, नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, नमाज़ तो पहले ही फ़र्ज़ है। इलायची में थोड़ी खुशबू आने लगी है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चने की दाल पिसी हुई, और इसको खूब अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन आधा घंटा लगता है चने की दाल भूनने में। इसकी निशानी कुछ ऐसी है कि हाथ में दर्द हो जाएगा, तो समझे दाल भून गई है, कलर चेंज होने तक भूनना है। तो मैं दाल को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी, बहुत ज़्यादा लो पे नहीं भूनना। और दाल को अच्छी तरह से भूनने के जब तक भूनना है इसको, जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता, और कच्चापन अगर कम भूनेंगे तो कच्चापन हो जाएगा, ज़्यादा भूनेंगे तो दाल हमारी जल के बुरी लगेगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह से भूनते रहना है। अभी सिर्फ घी के अंदर इलायची डाल के मैं सिर्फ दाल को भून रही हूँ। ये देखें, दाल को भूनते भूनते इतनी भुनी है कि ये बिल्कुल एक बिल्कुल बिखरी बिखरी सी हो रही है, लपटा नहीं बना हुआ है, दाल इतनी भुन गई है अच्छी तरह से। इसका पानी इतना ड्राई हो गया है कि बिखर गई है। देखें इस तरह का इसका चूड़ी की तरह शक्ल आ गई है। इसको भूनने में मुझे लगा है आधा घंटा, पौन घंटा इतना मैंने इसको भूना है कि देखें ये बिल्कुल भून के बिखरी बिखरी सी हो गई है दाल। इसका मतलब है हमारी दाल बिल्कुल भून गई है। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो थोड़ा और भून लें आप, मगर मुझे ये कलर सही लगता है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चीनी। ये मैंने 2 कप चीनी भर के लूँगी इसके अंदर, 1 कप और 2 कप। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप कम डालें, वरना ये सूटेबल रहेगा, बहुत अच्छा मीठा रहता है इसमें। तो ये 2 कप भर के मैं चीनी शामिल करके इसके अंदर मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। इस स्टेज पे थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि चीनी अपना पानी डिज़ोल्व करेगी भून, इसलिए तो इसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से भूनना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर दें, नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसको क्लिक ज़रूर करें। देखें चीनी डिज़ोल्व होने लगी है, तो ये हमारी दाल सिमटने लगी है।
आँच को मीडियम ही लो फ्लेम पे ही रखना है, मीडियम लो पे। अब ये नीरो के साशे हैं लिए थे मैंने दो, तो मैं ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये नीरो के साशा बहुत अच्छा लगता है, इसमें टेस्ट अच्छा ही आएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इनको मैंने कूट लिया है, ये भी स्टेज पे शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से देखें मिलाएंगे, और आधी प्याली मैं दूध इसमें शामिल कर रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि चीनी थोड़ी सी दाना ले जाएगा अगर हम दूध शामिल नहीं करेंगे इस टाइम पर। तो इतना इसको अब पकाना है कि ये तला छोड़ दे और एक तरफ से सिमटने लगे, समझे हमारा हलवा तैयार है। इसमें दूध मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी, हाथ चलाना है इस स्टेज पर। और इस तरह से इसको भूनते ही रहना है, इसमें ज़्यादातर काम भूनने का ही है, कोई बस भुनने की ही इसमें मेहनत है। ये देखें लिपट गया है हलवा, इतना मैंने इसको पकाया है, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है इसके अंदर, और दूध डालने की वजह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, दाना गल गया है। अभी एक ट्रे ली है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ नारियल का पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल रही हूँ पाउडर में। और इस पर हम डालेंगे अब सारा ये हलवा, और हलवे को हम स्पैचुला की मदद से फैला लेंगे। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप स्टील की प्याली के नीचे तले में ऑयल लगा के उससे भी फैला सकते हैं। मैंने इस स्पैचुले में ऑयल ग्रीस कर लिया है, इसलिए आराम से स्मूथ हो गया है। देखें किस तरह से स्मूथ बनाना है इसको, और ऊपर से इसको ऊपर लगाऊंगी मैं ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ नारियल कद्दूकश किया हुआ, ग्रेट किया हुआ नारियल का बुरादा, और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक कूट लिया था। आप चाहें तो कटे हुए भी डाल सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं उसमें डालूँगी काट के। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है, इस टाइम बहुत गर्म है, एहतियात से इसको आप सेट करना, और इसको दबा दबा के इसके ड्राई फ्रूट्स भी हम दबा के सेट कर देंगे। अब मैं इसमें निशान लगा रही हूँ कट के, क्योंकि ठंडा होने के बाद मुश्किल हो जाएगा निशान लगाना, गर्म में ही इसको निशान लगा रही हूँ मैं इसमें। तो हम छोटी छोटी कट लिए अपने साइज़ की, अब चौकोर बनाना है आपको, स्क्वायर में बनाना है, किस तरह से ही बनानी है आप कतलियाँ इसकी बनाएं और सर्व करें, ठंडा करके बहुत मज़े का लगेगा। देखें चने की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है, ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह ताला सबके दस्तखानों में बरकत दे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ, फिर आऊँगी लौट के नई रेसिपी के साथ।